हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज जो कि है खंडा में हम आए हुए हैं दोस्तों, और यहाँ का जो कि व्यू है ना कि जो कि है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज का ब्लॉग जो कि है आउटडोर में शूट कर रहे हैं, तो सोचे क्यों ना कि आज थोड़ा सा इधर का व्यू दिखा दें आप लोगों को। तो देखिए व्यू कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए तो कितना सही लग रहा है। और है कि गर्मी का मौसम है और बाहर जो कि घूमने के सुबह सुबह का मज़ा ही अलग है, इसीलिए हम आ गए हैं बाहर और बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग कभी कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और गर्मी इतना ज़्यादा होगी क्या ही कहें, हालत पूरा ख़राब हो गया है। ठीक है, तो यार देख रहे हैं धूप में ही है, तो चलते हैं घर यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। दोस्तों आ गए हैं घर पे, आ गए हैं यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। ठीक है, तो चलते हैं मुँह धोते हैं यार। बारिश कहाँ है रे? कहाँ बारिश हमारा नहीं मिल रहा है, कहाँ पे रखा हुआ है? अब एक छोटी सी बच्ची है ना कि जीना हराम करके रखी हम लोग के बाप रे, इतना परेशान करते हैं क्या ही बोले। तो देखिए बर्फ ले लिए, एक तो नीचे बर्फ रखी हुई थी और कोलकर था ऊपर। ठीक है, वो कहाँ कहाँ लेके चल रही समझ में नहीं आता है। ठीक है, वो बच्ची है। तो दोस्तों देखिए इधर जो कि है कि आरती बैठ के जो कि है पानी पी रहे, तो जो कि है बाबू जो कि है ना कि पानी छीन रही है। ठीक है, उसको लग रहा है कि ठंडा पी रहे, क्योंकि ये ठंडा बहुत पीने में एकदम उसको अच्छा लगता है, इसलिए छीनने लगी है। ठीक है, यहाँ पे कितना बैठ के आराम से जो कि देखिए, और शाम का समय हो चुका है कुछ इस तरह से जो कि है नज़ारा आपको देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छा है। जो कि देख रहे हैं हाथ से लेके कितना तरह से छीन रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है बाबू हमारा। जो कि देखिए किस तरह से लेके अब इसको नीचे फेंक देगी। ठीक है, देखिए किससे नीचे फेंक दी, देखते रहे आप, या नीचे फेंक दी। इसीलिए कहते हैं ना कि बाबू बहुत ही परेशान कर रखे हैं हम लोग। उसके बाद पता नहीं आरती कहाँ कहाँ घूम घूम के जाए, जो कि आइसक्रीम लेके देखिए किस प्रकार से खा रही है। इसको भी तबीयत खराब है, फिर भी आइसक्रीम लेके जो कि है खा रही है। उसके बाद हमको भी देने आई है, तो हम भी खाने के लगे इसका आइसक्रीम, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। उसके बाद जो कि है हमको जो कि आरती का काम दे दिया हमको आलू छीलने के लिए, आलू काटने के भुंजिया। और जो लोग सोच रहे हैं कि शादी करने के लिए लोग शादी ना करें, देख लिए किस प्रकार से किस हाल में हैं हम लोग, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। आप भी तैयार हैं तो शादी कर लीजिए। इसलिए अभी जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो कि है गर्मी बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसके वजह से जो है ना कि देखिए ये वाला फ़ैन भी नया लिए है ना जी, अभी पंखा लिए थे, क्योंकि यार जो घर में सोते थे ना तो क्या होता था कि हमारा जो कि है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगता था, पूरा जो कि है घूमस लग रहा था, कितना भी पंखा चालू कर ले मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा लगता। ठीक है, इसीलिए हमको पंखा लेना पड़ा है। और दिखाते एक चीज़ और दिखाते हैं, ये जो देख रहे हैं ना पूरी पुनिया रखा है, 3-4 दिन से रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ख़राब हो गया, नहीं ख़राब तो नहीं हुआ है, फेंक देना इसको, रखा हुआ परसों तरसों, लेकिन खाता नहीं, बस रखा रहता है खाली। इसका जो है ना काम करने का नहीं मन रहता है, इसीलिए इसको साफ नहीं करती है। ठीक है, और इधर देख लीजिए जो कि भी काची साफ करने जा रही है, साफ कर रहे हैं। हाँ, और एक बात हम आपको बता दें, आप हमारा बाबू का जो कि है बर्थडे है, कब है? तो कल बर्थडे है, उसका तैयारी आज से शुरू कर देंगे हम लोग। तो आप लोग ये वीडियो आज का और कल का वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, पूरा तैयारी होगा उसका बर्थडे में, और बहुत ही अच्छे सेलिब्रेशन करेंगे। तो आप लोग जो कि है इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। तो दोस्तों देखिए इधर जो कि है गेहूँ ला के धर दें, क्योंकि है रिचा का बर्थडे है, इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए इधर जो कि है गेहूँ ला के धर दिए हैं, और इधर जो कि है देखिए चावल है, इसका कुछ बनेगा शायद, हमको पता नहीं है। इसी जो कि है अभी बज रहा है कितना, अभी 10:30 हो गए हैं। तो अभी जो कि है हम खाना खाने चल रहे हैं, खाना बना खा के जो भी होता है आप लोग को बीच रखेंगे, और आप लोग लास्ट तक आप लोग बन रहिएगा। इधर देखिए आरती जी जो कि है खाना निकाल रही हैं, इधर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो कि है आरती, देखिए गेहूँ को देखिए, देखिए दोस्तों देखिए ये तो हाथ काट ली है पूरा के पूरा। कैसे काट लीजिए हैं? ब्लेड से देखिए हाथ काट ली है पूरा पूरा, एकदम काट ली है। ठीक है, तबीयत का हो गया है खराब।